शहर के वार्ड नंबर 20 फुलवारी कॉलोनी के पीछे बालाजी स्टेट के रहवासी बिजली की समस्या को लेकर लगातार परेशान हो रहे हैं। उनके द्वारा बिजली विभाग में बिजली की समस्या को लेकर आवेदन भी दिया जा चुका है, लेकिन वहां से कोई संतुष्टिपूर्ण जवाब नहीं मिल पाया। जब बिजली विभाग में कार्यरत कर्मचारी उस जगह का सर्वे करने गए तो उनके द्वारा बालाजी स्टेट के रहवासियों को स्थायी कनेक्शन ना देते अस्थायी बिजली कनेक्शन देने के लिए बोला गया। जब रहवासी बिजली न मिलने से परेशान हुए तब जाकर उन्होंने मंगलवार को जनसुनवाई में होने वाले न्याय से उम्मीद लगाई और आवेदन भी देकर आए तुरंत, लेकिन उस जगह भी किसी ने सुध नहीं ली। शहर में रहने वाले रहवासी अगर बिजली की समस्या को लेकर अगर इस तरह से अधिकारियों के चक्कर लगाने के बाद भी सुनवाई नहीं होगी तो फिर उनकी कौन सुनेगा। बालाजी स्टेट रहवासियों की यह पूरी समस्या बताई जा रही है। गुना से सोनू श्रीवास्तव की रिपोर्ट। निवेदन है कि हमारी मीटरों की व्यवस्था जल्द से जल्द करी जाए और हमारे घर के सामने पोल लगे हुए हैं, लाइन कंप्लीट खींची हुई है फिर भी मीटर नहीं दे रहे। फाइलें हमारी सबकी जमा है, विद्युत मंडल में रसीदें जमा है, उसके बाद भी कनेक्शन नहीं मिल रहे हैं। बोल रहे हैं कि अवैध कॉलोनी बताते हैं और क्या, अवैध कॉलोनी बताते हैं, कॉलोनाइजर करें उसका समस्या। क्या नाम है तुम्हारा, कहाँ रहते हो? क्या समस्या आ रही है आपको? समस्या हमारी ये है कि सर हम जो है ना बिजली का बिल मीटर लगवाने के लिए हम कई बार बिजली विभाग गए, वहाँ हमको बिजली विभाग के अधिकारियों ने हमको आश्वासन दे दिया कि आपको बिजली कनेक्शन दे दिया जाएगा, और हमने ना बिजली विभाग में आवेदन दिया, इसके बाद में वो कहने लगे कि आपका स्थाई मिलेगा। स्थाई हमको चाहिए, स्थाई कि हम लोग गरीब हैं। तो इस संबंध में आपने जनसुनवाई में आवेदन दिया? जी सर, हमने कलेक्टर साहब को जनसुनवाई में मंगलवार को आवेदन दिया था, उन्होंने बोला कि हम अधिकारी कर्मचारियों से बात करेंगे। तो अभी तक कोई आपके यहाँ गया? गए थे सर, वो सर्वे करने को कहने लगे कि आपको इधर रहना, अस्थाई मिलेगा।